कोई बात नहीं, मैं पकड़ा हुआ हूँ तेरा हाथ। दिस इज ग्रेट, दिस इज क्रेजी। हेलो गाइज, वेलकम टू दिस एपिसोड। तो स्वागत है सभी को आज के ब्लॉग में। आज डे टू चल रहा है हमारा, और थकी हरी मैडम बहुत चला लिया था लास्ट वीडियो में, आपने देखा, बहुत गंदा सरप्राइज था इसके लिए। वो सरप्राइज नहीं होता फिर, जो तेरे लिए होता है वो सरप्राइज नहीं था, बकवास मत कर। तो गुस्सा अभी तक है क्योंकि बहुत चलना पड़ा है, थक गई है। चलना पड़ा नहीं है, इसको सरप्राइज नहीं कहते। पहली बात, डेफिनेशन ऑफ सरप्राइज इज रॉन्ग। ओके चलो ठीक है, रॉन्ग है, लेकिन मैं जो व्यू दिखाऊं ये बहुत राइट है, जहाँ पे हम लोग खड़ा हुआ है सामने। तो चलिए एक सिनेमैटिक दिखा देता हूँ यहाँ का, जो आपको मज़ा आएगा और आपका सुबह एकदम मस्त बना देगा बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं और इस ब्लॉग को लास्ट तक देखो, हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं अब। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस हम जा रहे हैं पैलोलिम बीच में, और ये मैं आपको दिखा दूँ रास्ता। फिश फिश फिश, ओ ओ ओ, ये क्या है? फिश फिश मार्केट पे जूस ले ले तेरे लिए, फिश खाएगा क्या? ये देख प्रॉन, कल रात खाना प्रॉन। ये देखिए इतने सारे फिशेस हैं यहाँ पे। अरे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से सेलिंग भी होता है। और ये देखिए, यहाँ से लोग जाते हैं बोटिंग करके, शायद फिश पकड़ने, ये फिश पकड़ने के लिए ही। तो इधर हो रही है फिशिंग, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये देखिए यहाँ चल रही है फिशिंग, कैकिंग भी हो रहा है वहाँ, और वहाँ साथ साथ चल रहा है कैकिंग, और साथ में चल रही है फिशिंग। हम भी करेंगे कैकिंग। ओके, और ये देखिए, ये हम रास्ते से जा रहे हैं। गाइस वी आर वेरी नियर टू पैलोलिम बीच, आई थिंक हम स्टार्ट हो चुके हैं पैलोलिम से, और यहाँ से हमें लेना है सनग्लासेस और हैट, जो मैं घर में भूल के आई हूँ, तो लेते हैं। कितने का ये? कितना कम करेंगे? तो फाइनली हम लोगों को मिल गया चश्मा। बिना चश्मे के चलाने में दिक्कत हो रही थी बहुत, और अभी तन्नू उधर से पानी वगैरह ले रही है, पीछे आप देख सकते हो। हमने सनग्लासेस, तन्नू के लिए हैट, ये आप देख सकते हो, बहुत प्यारी लग रही है तन्नू, ये देखो हैट के साथ, प्यारी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। ये है पैलोलिम का लोकल मार्केट। यहाँ हम करेंगे अपनी स्कूटी पार्क। ओह माय गॉड, ये है पार्क। तो पैलोलिम बीच में पहुँचती, हमारा लुक हो गया है चेंज, बिल्कुल गोवा वाला फील आ रहा है अब फाइनली। तो चलो चलते हैं बीच की तरफ। कम तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से कितने रुपए चार्ज करते हैं सर? तो हमारा काइकिंग सेल्फ कर देते हैं, एक आदमी का 300 रुपये। अच्छा, दो आदमी के 600 रुपये। तो हम दोनों ही चला के जाएंगे? नहीं नहीं, वो नहीं करना है, काइकिंग नहीं करना है, काइकिंग पागल है क्या? डूब के मर। अरे मैम डूब नहीं, उसने देखो कितने सारे लोग नहीं 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 भैया, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया है यार यहाँ। अगर आपको अच्छा अच्छा नॉर्मल जो बोटिंग है जो चला के ले जाते हैं, जो वो वही तो बोल रहे हैं। नहीं नहीं, काइकिंग तो सेल्फ खुद चलाते हैं ना, एक तो होती है जो बोट है वो। अच्छा उधर है, ओके वहाँ पर बोट का, जो भी प्राइस होगा वो बता। और आपको अगर काइकिंग करना है ना, तो ये जो हम जैसे लोग लेडीज लोग कर रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं, हाँ हाँ जा रहे हैं,
ऐसा सेल्फ जाने के लिए देते हैं, देखो इधर कपल जा रहे हैं, ऐसा सेल्फ देता है, रिस्क से कुछ नहीं है। और स्विमिंग आने का जरूरत नहीं है, पूरा सेफ्टी के साथ चलते हैं हम लोग, लाइफ जैकेट पहनाते हैं। ओके, और आप फोन लेके जाओगे तो आपको ड्राइव बैग देते हैं साथ में, आराम से घूम जाओगे। ओके, अगर आपको तो जो बात हो रही है ना वो है पीछे जो आइलैंड दिख रहा है वहाँ जाने की काइकिंग पे, और तनु जो है कंप्लीट डिनाई कर चुकी है तो ऑप्शन नहीं है जाने का, मेरा तो सवाल ही नहीं है। तो तनु काइकिंग आइलैंड तक? नो काइकिंग। यार वो देखो, वो आइलैंड पे जाना था और बीच में समंदर है और इसकी हालत खराब सुन के ही, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है कसम से बता रहा हूँ, है ना। और ये बीच कोला से बहुत बढ़िया है इनफैक्ट पालोलम सही में। और अभी फिलहाल हम लोग है ये पालोलम बीच है नॉर्थ गोवा में, नॉर्थ है ना ये? नो नो नो, साउथ गोवा। अच्छा ये साउथ गोवा है, अच्छा हम नॉर्थ जाएंगे इसके बाद। थोड़ा आगे जहां तक वो लेयर्स आ रहे वहां तक तो आ जाओगे एटलीस्ट। जूम इन करो फिर, ऑप्शन नहीं है सेकंड। वाओ, से कुछ शॉर्ट्स लिया है, मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा है, मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया, अगर अच्छा है तो ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके शॉर्ट्स लेने के चक्कर में, तो वीडियो को लाइक करो प्लीज, शेयर भी करना। मैं फिर जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे लहरों के साथ, और कसम से मेरे पूरे कपड़े गीले हैं और ऐसे ही मैं घूमूंगा पूरा गोवा। ऑन कर लिया मैंने कैमरा, ये आप देख सकते हो, ठीक है, तभी दिखाई दे रही होगी अभी। अभी हम लोग साउथ गोवा पैलोलिम बीच में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और मैंने काफ़ी अच्छे शॉट्स आपको दिखा दिए हैं, और हम लोग अभी इंजॉय करने वाले हैं और भी कुछ, और दिखाने वाले हैं बहुत कुछ। तन्नू जा रही है, देखो साहसी बन गई है ये, तो थोड़ा ये इसके पास अभी थोड़ा हिम्मत आ गया है जो इतने पास आ रहे हैं लहरों के, तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये शायद थोड़ा और कम डरे, लेकिन वैसे पोज अच्छा रहे, एक फ़ोटो भी ले सकते हैं, ले लूँ तो चलो लेते हैं फोटो, एक ऐसा फोटो होना भी जरूरी है ना। मैं गीला हो गया। डर किस चिड़िया का नाम है, देखो लोग कहां कहां तक बैठे हैं, और ये टाइड्स के डर से ये देखो कितना दूर बैठे, टाइड्स आ भी नहीं पा रहे बेचारे, ये देखो कहां आ रहे, कहां बस धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया इसका, हो गया। अब मुझे इसको मन कर रहा है ऐसा करके धक्का लगे गिरा दो, नहीं, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ इसको लेके जाता हूँ। जरा देखो, अब बात ये है, डराना हो गया बहुत, अब कुछ सीरियस, ठीक है, पहले ही मतलब वाली शक्ल है डर वाली, तो थोड़ा हम आगे जाएंगे, ज़्यादा नहीं, जहाँ पे तेरे कपड़े गीले ना हो और घुटने तक पानी भी आए। तो ये देखो आ रहा है, लेकिन थोड़ा कम है यहाँ पे, बहुत कम है। तनु देख लोग कहाँ तक नहा रहे हैं, ये देखो शीर और आ रहा है हल्का सा, लेकिन एकदम हल्का, पैर के आके खत्म हो गए, और लोगों को देखो वहाँ, चलो मैं एक बार घुमा के भी दिखा देता हूँ, वो देखो कहाँ कहाँ से लोग देखो नहा रहे हैं, ये देखो लोग कहाँ तक नहा रहे हैं,
और हम लोग कहाँ है, कितने दूर। बहुत मुश्किल से मना के मैंने यहाँ तक लिए है, जहाँ तक स्टोर आ रहा है, और हम लोग घुटने तक पानी है हम लोगों का फिलहाल। शिट, कुछ नहीं होता, फोन तो नहीं है ना, बस मेरा कैमरा से एक दो बार चाबी गीला होने से कुछ नहीं होता। ये देखो, ये चीज़ हम कोला बीच में भी कर सकते थे, पता है, अगर तू नहीं डरती तो। ऑब्वियसली आप जाएंगे, पहले तो मैं इस कैमरे को ऑन कर लेना चाहूँगा, क्योंकि वेव आ रहा है बहुत तगड़ा और मैं इस पे नहाने वाला हूँ। अब पहले ही मेरा गीला हो जाए सब, क्या फर्क नहीं पड़ता। तो ज़ूम इन करते रहना, क्योंकि बिना देखे जितना लेना था ले चुका हूँ मैं। अब ये मैंने अनस्क्रू कर दिया इसको और अब मैं जा रहा हूँ अंदर, तो चलो देखते हैं इसको। देखिए पीयूष को, उसको कितना मजा आ रहा है, बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुका है और मुझे लग रहा है कि इसका कैमरा भी जाएगा क्योंकि इसको बहुत मजा आ रहा है। आया है भागते भागते। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर, तन्नु आएगी, तन्नु नहीं बोल दिया उसने, वो देखो सी साइड पे जा रही है। लोग कैकिंग भी कर रहे हैं, बहुत लोग इधर भी है नहा रहे बहुत दूर दूर तक। हालांकि मैं थोड़ा तन्नु के डर से मैं नहीं कर रहा हूँ, ये घबरा रही है। अब वाटरप्रूफ कैमरे का फायदा तो होना चाहिए। समंदर में अगर नमक ना चखे तो समंदर का मजा क्या है। तो नमक तो मैंने बहुत चख लिया है और नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अब इसके बाद मेरी भी फटेगी फिर, क्योंकि मुझे एक तो स्विमिंग नहीं आती। ये देखो तो अब फाइनली ये आ गई है बीच में, बहुत मुश्किल से, लेकिन ये डर रही है। देख पीछे छोटी बच्ची है, देख पीछे सीधी बच्ची, उसको स्विमिंग आती है, she has learned swimming। हेलो बेटा, हाय, कैन यू स्विम, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, you understand English? I'm going back, Abby. Where are you? कोई बात नहीं, मैं पकड़ा हुआ हूँ तेरा हाथ। This is crazy, man. मेरे टोपी रह गया है उधर, मैं लेके आ रहा हूँ, पता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय। चैनल पे सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।